हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अरिहंत। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17। हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बात ध्यान रखना, जो हमारे मेन मेन पॉइंट्स हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ज़्यादा मेन होने वाले हैं। इस चैप्टर में अगर आपको मेन पॉइंट समझ में आ गए तो पक्का श्योरिटी ये है कि आप आराम से पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लोगे। करना क्या है, क्या नहीं है, देखो ध्यान से। इसमें पहला पॉइंट जो हमारा, इसमें क्या हमारा, सबसे पहले हमारा सीकेंट जो है उसका मतलब पता होना चाहिए। जो चैप्टर नाम क्या हमारा, सीकेंट एंड टेंजेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज, यानी हमें क्या है, सीकेंट पढ़ना है, हमें टेंजेंट हमें पढ़ना है और उनके बारे में प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ने के वाले हैं सीकेंट्स। सीकेंट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। A line which intersects the circle in two points is called a secant of a circle. मतलब ये कि एक सर्कल हमारा बना हुआ है, ठीक है, उसमें क्या हमारा, उसमें ध्यान से इतना, यहाँ पर ये दो पॉइंट्स हैं, एट पॉइंट ये रहा, एट पॉइंट ये रहा, और कहाँ पर लाई कर रहे हैं, एक ही सर्कल पर वो लाई कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, secant of the circle। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब क्या है, साइन पॉइंट की बात करें, इसमें क्या हमारा, A line which touches the circle at a point is called a tangent. जब भी हमारा क्या हो रहा, कोई भी लाइन, देखो यहाँ पर क्या हमारा, एक सर्कल हमें ऐसे गिवन है और बाहर से ऐसे पॉइंट आ रहा है और जो क्या कर रहा है, हमारा सर्कल को टच कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट। उसे क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट टू द सर्कल। फिर से रिपीट पे कर रहा हूँ, इसमें क्या हमारा, A line which touches the circle at a point is called a tangent to the circle. जब भी हमारा क्या हो रहा है, सर्कल हमारा बना हुआ है, कोई आउटसाइड लाइन हमारी आ रही है जो हमारी सर्कल पर टच कर रही है, उसे क्या बोलेंगे हम, टेंजेंट। थर्ड पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें क्या हमारा, A tangent to the circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. मतलब ये कि अगर ये हमारा सर्कल हमें बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, टेंजेंट हमें गिवन है, अरे सेंटर पॉइंट से और जो हमारी टेंजेंट पॉइंट है वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा हमारा, परपेंडिकुलर हो रहा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब फोर्थ पॉइंट, इसमें क्या हमारा, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल विच आर इक्वल लेंथ। मतलब ये कि जब भी दो लाइन जो होगी, दो टेंजेंट की बात कर रहे हैं, वो आपस में क्या, एक पॉइंट से होते हुए जा रही है और क्या कर रही है, वो एक सर्कल पर इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये कि हमारा यहां पर देख लो, एक सर्कल बना हुआ है, यहां से एक पॉइंट हमारा ये रहा, एक टेंजेंट हमारी ये रही, दूसरी हमारी ये रही। अब जब एक पॉइंट से दो टेंजेंट एक ही सर्कल को टच कर रही है तो दोनों की लेंथ क्या होगी हमारी, आपस में इक्वल। मतलब कि ये मान लो ए बी और ए सी, यानी हमारा क्या हो रहा, ए बी और ए सी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर हो गया आपको। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, इसमें क्या हमारा, जब भी फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू टेंजेंट, मतलब कि दो टेंजेंट है हमारी, एक पॉइंट से होते हुए आ रही है, ठीक है, और कहां पर टच कर रहे हैं, वो एक सर्कल पर ही टच कर रहे हैं, तो दोनों की लेंथ क्या होगी, दोनों की लेंथ क्या होगी, आपस में इक्वल होगी। क्लियर हो गया, चारों पॉइंट समझ में आ रहे हैं आपको। अगर आप लोग मेरा फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, और ये जो मेन पॉइंट्स है एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना, क्योंकि नोट्स मेंटेन करना कंपल्सरी है, विदाउट नोट्स चैप्टर कंप्लीट नहीं होने वाला। और फिर भी कोई डाउट आता है तो करना कि आपको कमेंट बॉक्स में डाउट को क्लियर करना है, ठीक है। अपना चलते हैं, हम क्वेश्चन में चलते हैं जिससे कि हम सबके कॉन्सेप्ट के एकदम क्लियर हो पाए। चलिए स्टार्ट करें, क्वेश्चन वन पर स्टार्ट करते हैं जिससे हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। हम आ चुके हैं क्वेश्चन वन पर, आ चुके हैं, ध्यान से ना, क्या है क्या नहीं हमारा, इसमें क्या हमारा, एक फिगर हमें गिवन है, एंगल पी ओ वाई, कितना हमारा पी ओ वाई हमें गिवन है, इतना 40 हमें गिवन है, और हमें फाइंड करना है ओ वाई पी, यानी ओ वाई पी हमें ये फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है हमें, ओ वाई टी, यानी ओ वाई टी, यानी ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। पहले लिखते हैं क्या गिवन, क्या हमारा गिवन जो है हमारा, एंगल पी ओ वाई कितना हमारा 40 है, एंड टू टेंजेंट्स हमें गिवन है, ठीक है, यहां पर लिखा मैंने, यहां पर लिखा टू टेंजेंट्स आर गिवन, वो लिखा टू फाइंड, फाइंड हमें करना है क्या है, इसमें ओ वाई पी हमें फाइंड करना है,
और ओ वाई टी हमें फाइंड करना है, ठीक है। फिर से रिपीट करो, हमें क्या फाइंड करना है? ओ वाई पी और ओ वाई टी हमें फाइंड करना है। प्रूफ करते से सबसे पहले करना है कि आपको ये वाला पोर्शन जिसे मैं हाईलाइट करूं, ध्यान से इतना, इन ट्राइंगल ओ पी वाई की बात कर रहे हैं, किसकी बात हो रही है? इन ट्राइंगल ओ पी वाई की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या हमारा एंगल ओ पी वाई प्लस पी वाई ओ प्लस वाई ओ पी कितना हमारा 180। आपको पता है ना सम ऑफ द ट्राइंगल कितना होता है? हमारा सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हमारा 180, ठीक है। क्लियर होगी आपको इतनी बात? अब इसमें क्या है? ओ पी वाई, ओ पी वाई कितना हो रहा? ये परपेंडिकुलर है या नहीं? ध्यान से देखो, ओ पी एक्स वाई परपेंडिकुलर है। ओ पी किस पर परपेंडिकुलर? हमारा एक्स वाई पर। सो हमारा क्या हो रहा? हम बोल सकते हैं ओ पी वाई कितना हो रहा? 90 हो रहा। तो ओ पी वाई कितना हो गया हमारा? ये 90 हो गया। पी वाई ओ, पी वाई ओ पता है? नहीं पता, ये तो हमें फाइंड करना है। वाई ओ पी, वाई ओ पी कितना हमारा? 40 है, इक्वल्स टू में 180 हो गया हमारा। पी वाई ओ इक्वल्स टू में 180, 90 प्लस 40 इतना हो गया हमारा 130, बहुत बढ़िया। यहाँ प्लस का है, वहाँ पर लिया इतना हो गया हमारा माइनस का 130, कितना आ गया हमारा 50, यानी हमारा पी वाई ओ आ गया इतना 50। अभी जस्ट मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताया था, मैंने मेन पॉइंट्स आपको बताया था, जिसमें बताया था मैंने आपको कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट, एक ये टेंजेंट हो रही हमारी और एक ये वाली टेंजेंट, दोनों ही आपस में क्या होगी? हमारी इक्वल होगी। क्या होगी हमारी? वो आपस में इक्वल होगी। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? वो भी हमारे क्या होंगे? इक्वल, बहुत बढ़िया। यानी पी वाई ओ कितना है हमारा? 50 हमारा आ गया। तो हमारा क्या आएगा? एंड ओ वाई टी कितना है हमारा? वो भी 50। रीजन क्या लिखोगे? रीजन आप लिखना इसमें क्या? बिकॉज पी वाई एंड वाई टी आर द एक्सटर्नल टेंजेंट, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया क्या क्या हमने सिंपल क्वेश्चन किया? पहले हमने ये ट्राइंगल लिया, उसमें हमने क्या किया? सम ऑफ द ट्राइंगल फॉर्मूला अप्लाई करा, 180 सम होता है हमारा, वो अप्लाई किया, वहां से 50 हमारा आ गया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। यानी हमारा क्वेश्चन वन भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक चैप्टर वन से लेकर 16 तक 16 चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, नहीं देखिए देख लेना, लिंक कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख लेना, जिससे कि आप सब के सारे डाउट्स क्लियर हो पाए। फिर भी डाउट कोई आता है तो आप करना क्या है, सीधा इंस्टाग्राम पर मुझे आप डीएम कर देना, स्टडी विद अरिहंत के नाम से बना हुआ है, वहां पर डीएम करते अपने डाउट्स की फोटो खींचकर मुझे सेंड कर देना। अब करना क्या, हमारा क्वेश्चन वन नंबर कंप्लीट हो गया, अब क्वेश्चन नंबर टू पे चलते हैं, जिससे कि हम सबके सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो पाए। हम बात कर रहे क्वेश्चन नंबर टू की, बात कर रहे हैं ध्यान से ना, क्या है क्या नहीं हमारा। हमारे सामने एक फिगर हमें गिवन है, ठीक है। इसमें बोला हुआ है पी ए 4 सेंटीमीटर है, पी बी 10 सेंटीमीटर है, पी सी 5 सेंटीमीटर है और पी डी यानी ये वाला पोर्शन जो है पी डी बड़े वाला, ये हमें फाइंड करना है। याद रखना ये जो ए बी और सी डी ये हमारी क्या है? क्वाड है, सेंटर पॉइंट से होते हुए लाइन नहीं जा रही, याद रखना बिल्कुल, ठीक है। इससे पहले पढ़ने से पहले आपको एक मेन पॉइंट्स है वो पता होना चाहिए। इसमें क्या है? टू ट्वार्ड्स, कोई भी दो ट्वार्ड्स हमें गिवन है, मान लो इसमें ए बी और सी डी, मैंने ये नाम यूज किए हुए हैं जिससे कि आपको क्लियर हो पाए। इसमें टू ट्वार्ड्स बोली हुई है ए बी और सी डी ऑफ अ सर्कल, ये मेन पॉइंट से रखना, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और बोला कि इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल, चाहे वो अंदर हो या बाहर हो। तो उसमें क्या हो रहा हमारा? पी ए इंटू में पी बी इक्वल्स टू में पी सी इंटू में पी डी। फिर से रिपीट में कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ फिर से, देखो हमसे इफ टू ट्वार्ड्स क्या होगी हमारी,
ए बी और सी डी ऑफर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट पी, एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, वो पॉइंट हमारा क्या है, पी। चाहे वो पॉइंट हमारा इनसाइड हो या आउटसाइड हो चल जाएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, पी ए इंटू में पी बी, पी सी इंटू में पी डी। क्लियर हो गया आपको? अब यही प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करनी है, यही प्रॉपर्टी आपको यहां पर यूज करनी है। पहले जो गिवन है वो लिखो, क्या गिवन है इसमें, पी ए हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, पी बी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, पी सी हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर। टू फाइंड, फाइंड हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है पी डी, हमें फाइंड करना है। प्रूफ करते हैं, अब देखो इसमें क्या है हमारी, ये सेम रीजन लिख देना, पी ए इंटू में पी बी, पी सी इंटू में पी डी। रीजन पूरा ये लिख देना, ये आराम से उठा देना, जिससे कि जो एग्जामिनर हो रहा चैप्टर उसे प्रॉपर वे में समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज को मेंशन करना बहुत जरूरी है। पी ए, पी ए इतना हमारा 4 सेंटीमीटर है, पी बी इतना हमारा 10 सेंटीमीटर है, पी सी इतना हमारा 5 है, और पी डी हमें फाइंड करना है। कितना आ गया 45 इंटू में पी डी, और पी डी इतना आ गया हमारा 40 अपॉन में 5, यानी 8 सेंटीमीटर पी डी हमारा आ गया। क्लियर हो गया आपको, समझ में आ गया? देखो इसमें कुछ नहीं था, प्रॉपर्टी के बेस पर अपने आप ही क्या हमारा आंसर आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी चलते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो पाए। और हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, बात कर रहे हैं ध्यान से ना, क्या है क्या नहीं हमारा। अभी जस्ट हमने जो पढ़ा था, ठीक है, उसमें क्या था हमारा, उसमें जो दो टेंजेंट्स थी हमारी वो बाहर थी हमारा, यानी जो पॉइंट था जहाँ पर दोनों पॉइंट्स हमारे मिल रहे थे वो कहाँ पर था, आउटसाइड था। यहाँ पर क्या हमारा इनसाइड है, ध्यान से ना क्या है क्या नहीं हमारा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से इतना, ए बी एंड सी डी आर टू क्वार्ड्स हमें गिवन है, ए बी और सी डी हमें क्वार्ड्स हमें गिवन है, ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्टिंग एट द इंटीरियर पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, पी पर आकर वो पॉइंट हमारे मिल रहा है, ऑफ अ सर्कल। पी ए इतना हमारा एच प्लस 3 हमें गिवन है, पी बी इतना हमारा एच माइनस 3 सेंटीमीटर है, और पी डी इतना हमारा 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और पी सी भी हमें गिवन है, इसमें क्या हमारा 5 1/3 सेंटीमीटर हमें गिवन है। फाइंड करना है कि हमें एच फाइंड करना है। पहले जो गिवन है वो लिखो, इसमें पी ए हमें गिवन है इतना एच प्लस 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, पी बी हमें गिवन है इतना हमारा, पी बी हमें गिवन है एच माइनस 3 सेंटीमीटर, पी डी हमें गिवन है कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सीधा एक पॉइंट और हमें गिवन है पी सी, पी सी इतना हमारा 5 1/3 हमें गिवन है, 3 × 5 कितना हो गया 15 प्लस 1 कितना आ गया 16/3 सेंटीमीटर आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है क्या, टू फाइंड हमें करना है एच, हमें फाइंड करना है सिंपल। अभी करने की हमारा यहां पर है पी, अब यही तो ये वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसमें पी सी इंटू में पी डी इक्वल्स में क्या हो रहा हमारा, पी ए इंटू में पी बी। क्या किया मैंने, पी सी इंटू पी डी और पी ए इंटू में पी बी। क्लियर हो गया आपको? अब रीजन जो है, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था वही पूरा रीजन लिख देना, ठीक है। पी सी इतना हमारा, पी सी इतना हमारा 16/3 हो गया, पी डी, पी डी इतना हमारा 3 सेंटीमीटर हमें गिवन है, पी ए, पी ए इतना हमारा एच प्लस 3 है, पी बी इतना हमारा एच माइनस 3। ये और ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 16 हमारा आ गया। ये कौन सी फॉर्म बन रही है हमारी, जिन बच्चों ने एक्सपोनेंट पावर चैप्टर पढ़ा था उनको पता होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। जिन्होंने प्रीवियस चैप्टर्स नहीं पढ़े जाकर पढ़ लो, लिंक कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिससे कि आप सबके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और जैन में जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपके मार्क्स अच्छे आ पाए। अभी से हम यहाँ उतार लेते हैं, कितना हमारा 16 - 9 इक्वल्स टू में एच स्क्वायर हो गया हमारा, ये प्लस हो रहा, ये माइनस है, यहाँ पर क्या हो गया हमारा प्लस हो गया, कितना आ गया 25। अब एच कितना आ रहा हमारा, प्लस माइनस 5 आ रहा, लेकिन 5 पॉसिबल है हमारा, प्लस का 5 हमारा पॉसिबल है लेकिन माइनस 5 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें वैल्यू पुट करोगे, हम एक बार वैल्यू फाइंड भी कर लेते हैं एक बार,
जैसे कि यहां पर देख लेते हैं, आंसर हमें हीरे छोड़ना है, ठीक है, आपका अच्छा आंसर, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट बताने बता रहा हूं मैं कि कौन सी वैल्यू लाई कर रही है हमारी। पी ए कितना हमारा एच प्लस थ्री, अगर हमने फाइव पुट किया प्लस का, कितना आ रहा है हमारा एट आ रहा है, पी बी इतना हो रहा एच माइनस थ्री टू हो गया हमारा, और हमारा क्या है पी डी, पी डी इतना हमारा थ्री सेंटीमीटर, ये तो हमें गिवन ही है, पी सी भी हमें गिवन है, कितना है 16/3 था हमारा। जितनी भी वैल्यूज आ रही है हमारी, ये वाली और ये वाली, चारों हमारी प्लस की है, माइनस में कभी भी आती है साइड हमारी नहीं आती। अभी तो हमने क्या किया, जहां जहां एच का वहां पर हमने यार पुट करा हमने माइनस फाइव एट एच इक्वल्स टू में माइनस फाइव, चेक करो पी ए इक्वल्स टू में एच प्लस थ्री माइनस फाइव प्लस थ्री, कितना आ रहा है माइनस टू। भाई साइड हमारी क्या माइनस में होती है, नहीं होती ना, तो ये वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। क्या हो गया हमारी एच इक्वल्स टू में फाइव, अगर आप प्रूफ करते दिखा दोगे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि एग्जामिनर जो हो रहा है उसे भी क्लियर हो पाए। तो हमारा क्वेश्चन थ्री भी हमारा कंप्लीट हो गया, अब चलिए हमारे क्वेश्चन फोर पे चलते हैं, जिससे कि हम सबके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन फोर की, बात कर रहे हैं ध्यान से इतना, क्या है क्या नहीं हमारा, फिगर हमें गिवन है पी टी, पी टी इतना हमारा 2√7 हमें गिवन है, ओपी ओपी इतना हमारा 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, फाइंड करना है हमें रेडियस, रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है। इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ क्या हमारा सेंटर पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले ये फाइंड करने से पहले एक मेन पॉइंट है वो बताना चाहता हूँ आपको मैं, जिससे कि मैं आपको मेन पॉइंट वहां इसे नहीं बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि प्रैक्टिकली आप समझोगे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, और वैसे अगर आप उतार लो भी खाली तो बेनिफिट नहीं होने वाला। तो इसलिए क्या इसमें ध्यान से, तो क्या है हमारा, इफ पी ए बी इज अ सेकेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट ए एंड बी, देखो इस सर्कल पे के ए एंड बी हमारे दो पॉइंट्स हैं, जहाँ पर मैंने बताया था आपको एक पॉइंट होता है हमारा इस सर्कल पे, एक लाइन जा रही है हमारी जहाँ पर दो पॉइंट्स टच कर रहे सर्कल को, ठीक है, वो हमारे क्या सेकेंड पॉइंट होता है हमारा। पी टी इज अ टेंजेंट है, और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे, ये जो पॉइंट है हमारे पी पर मिल रहे हैं, पी से हमारा ये, पी से हमारा ये, ठीक है, और ये हमारा क्या है जो टी है वो कहाँ पर टच हो रहा है, सर्कल पर टच हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो गया हमारा, टेंजेंट हो गया हमारा, यानी पी टी इज अ टेंजेंट हो गया। इसी फॉर्म याद रखना क्या होती है हमारी, पी टी स्क्वायर, यानी जो टेंजेंट होगी उसका स्क्वायर इक्वल्स में क्या हो रहा हमारा, पी ए इंटू में पी बी, क्या बोला फिर से रिपीट करूँ मैं, पी टी का स्क्वायर क्या हो रहा हमारा, पी ए इंटू में पी बी, क्लियर हो गया। अब करना क्या आपको, जो गिवन है पहले वो लिखो, पी टी इतना हमारा 2√7 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ओपी ओपी इतना हमारा 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, फाइंड करना है हमें क्या, रेडियस हमें फाइंड करना है, ठीक है, रेडियस हमें फाइंड करना है। सबसे पहले करते क्या, हम लेट कर लेते हैं जो हमारा रेडियस पॉइंट है, क्या हमारा ओ ए, उससे हमने एक्स बोल दिया, और क्या हो रहा हमारा ओ बी, ये भी क्या हो गया हमारा x, यानी ये भी x हो गया और ये भी x हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, PT हमें गिवन है, बिल्कुल हमें PT हमें गिवन है, PA PA कितना है हमारा पता है हमें, PA नहीं पता हमें, OP पता है, OP इतना है 8 है, तो ये क्या हो गया हमारा 8 माइनस x हो गया हमारा। अरे ये पूरी फॉर्म हमारी 8 सेंटीमीटर हमें गिवन है, तो इसमें से इसको हटा दिया, क्या बचेगा हमारा 8 माइनस 7, यानी हमारा क्या आ जा रहा हमारा PA हमारा आ जा रहा। नेक्स्ट में क्या हो रहा हमारा, पी ए हो गया पी बी, पी बी बड़े वाला है, तो इसमें क्या हो रहा हमारा, ये पूरे 8 सेंटीमीटर प्लस ये, यानी हम बोलते हैं पी ओ प्लस ओ बी, पी ओ इतना हमारा 8 सेंटीमीटर प्लस एच, कितना आ गया हमारा 8 + h हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब सिंपल ये वाली फॉर्म पूरी अप्लाई कर दो, इसमें ये वाली पूरी फॉर्म जो दी है वो अप्लाई कर दो, रीजन पूरा यह लिख देना आप, ठीक है। अब इसमें क्या है, पी ए इंटू में पी बी पी टी का स्क्वायर, पी ए इतना हमारा 8 - h हो गया हमारा, पी बी इतना हमारा 8 + h हो गया हमारा 2√7 का होल स्क्वायर, कितना आ गया हमारा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 इंटू में 7 हो गया,
कितना आ गया 64 माइनस एच स्क्वायर, ये हमारा इतना आ गया हमारा 28 हो गया। अब इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं यहां पर, इसमें क्या हमारा माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 28 माइनस 64, इसे माइनस इतना आ रहा हमारा, इसे माइनस करने पर आ रहा हमारा माइनस 30 आ रहा हमारा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एच से इतना आ गया हमारा प्लस माइनस का सेट से। बट आपको मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि कभी भी साइड हमारी माइनस में नहीं होती, इसलिए क्या आ रहा हमारा प्लस का सेट आ रहा हमारा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ था, ये कॉन्सेप्ट जो है ये उतार लेने कॉपी पर, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हो गया, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 5 पे चलते हैं, जिससे कि वो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे पाऊँ और नेक्स्ट क्लास में आपको समझा पाऊँ उसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 5 पे चलते हैं जो आपके लिए होमवर्क है। अब वो टाइम आ चुका है क्वेश्चन 5 की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका होमवर्क होने वाला है, क्योंकि मैं ये देखने आता हूँ कि जो हमारी साइड से मेहनत चल रही है उसमें आपका भी रिस्पांस मिलना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 बहुत इजी है, जो मैंने 4 क्वेश्चन बनाए ना उनमें से ही उस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक। ध्यान से इतना क्या है क्या नहीं है समझा देता हूँ आपको मैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, इन फिगर कोड हमें गिवन है बी ए एंड सी डी ऑफ अ सर्कल, बी ए एंड सी डी क्या हमारी कोड हमें गिवन है क्योंकि सेंटर पॉइंट से होते हुए नहीं जा रही है, और प्लस क्या हमारा क्वेश्चन में भी बोल दिया हमारा, इसे बोला भाई ओ इज द सेंटर पॉइंट हमारा, ठीक है। इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट पी पर, पॉइंट पी पर क्या दोनों पॉइंट हमारे मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारा, आउटसाइड सर्कल है वो बाहर है हमारे सर्कल के, इफ पी ए 4 सेंटीमीटर, यानी मान लो पी ए हमें इतना है 4 सेंटीमीटर हमें गिवन है, लिख लो यहां पर, और हमारे पास क्या है पीबी, पीबी इतना हमारा, पीबी हमें 9 सेंटीमीटर हमें गिवन है, पीसी, पीसी हमारा क्या है एच से हमारा, और पीडी इतना हमारा 4 एच से हमारा, क्या हमारा 4 एच से, फाइंड करना है हमें क्या वैल्यू ऑफ एच, एच आप फाइंड करोगे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आना, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। और जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें इसका मैं आंसर बताने वाला हूं, तो करना क्या आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और इसका आंसर टाइप कीजिए, और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बैटन प्रेस लेना, क्योंकि मैं ये चाहता हूं ना कि ज्यादा से ज्यादा ना हमारी जो फैमिली है 5K बहुत जल्दी होने वाली है, तो आप लोगों का सपोर्ट रहा तो और बच्चों के साथ हमारा 5K अचीव हो रहा। और एक बात और, जिस तरह आप सीख रहे हैं अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स या और भी बच्चे सीखें, ठीक है, क्योंकि आपका कुछ नहीं आ रहा शेयर करने में लेकिन उन बच्चों का भला हो जा रहा। मेरी साइड से मैथ्स मैराथन चल रही है हमारी, चैप्टर नंबर 17 भी हो गया है, टाटा बाय बाय। करना क्या आपको जल्दी से आइए, हर टेलीग्राम ग्रुप में हर व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे कि उन सबकी भी हेल्प हो पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, इफ यू एनी डाउट्स जस्ट कमेंट बिलो और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, शुभ बखैर।